देखिए सबसे पहले सच विधायक को तस्वीर दिखा रहा है आपको, स्वागत है वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी पहुंची हैं प्रियंका गांधी और ये तस्वीर जहां तमाम उनके साथ दिग्गज भी मौजूद हैं। हालांकि पहले से ही उनका कार्यक्रम था जाने का, इससे पहले सिकराय में उन्होंने अपना संबोधन दिया, पहुंची आरसीपी का जिक्र किया, राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनाई गई इसका जिक्र किया, योजनाएं जो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उसके बारे में बताया। और अब ये तस्वीर आपको मेहंदीपुर बालाजी की दिखा रही है जहाँ दर्शन करने के लिए प्रियंका गांधी पहुंची हैं। तो ये खास तस्वीर आपको मेहंदीपुर बालाजी से दिखा रहे हैं और क्योंकि इस मंदिर की अपनी मान्यता है और जब भी कोई भी दिग्गज या कोई भी व्यक्ति पहुंचता है आसपास इलाकों में, चाहे सिकराय हो, दौसा हो, मेहंदीपुर बालाजी, जरूर दर्शन करने के लिए आता है और ये माना जाता है कि यहाँ जो दर्शन करके जाता है उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। और शायद इसलिए अब प्रियंका गांधी भी पहुंची है मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन करने के लिए। सच बेधड़क पर सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, प्रियंका गांधी का काफिला फिलहाल यहां पर मौजूद है। सिक्योरिटी पूरी तरह से यहां पर पाबंद की गई है क्योंकि पहले से ही इसकी जानकारी थी, तो ऐसे में तैयारियां पहले की गई थी मेहंदीपुर बालाजी में। हालांकि जिस रास्ते से प्रियंका गांधी आई हैं वहां पर फिलहाल आम लोगों को आने जाने के लिए रोका गया है, लेकिन इसके अलावा तमाम जो रास्ते हैं उससे आम लोग पहुंच रहे हैं। प्रियंका गांधी मेहंदीपुर बालाजी पहुंच चुके हैं, आपको ये अपडेट दे रहे हैं। इससे पहले सिकराय में अपना संबोधन उन्होंने दिया, प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में योजनाओं का जिक्र किया है। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने कहा कि कैसे जो आम लोगों को राहत है वो केंद्र सरकार, माफ कीजिए, राज्य सरकार ने दी और केंद्र सरकार ने आम राहत को छीन लिया है। और हमारे साथ सुमित हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं मेहंदीपुर बालाजी से। सुमित, क्या कुछ जानकारी है, प्रियंका गांधी क्या अंदर मंदिर के पहुंच चुकी हैं? हाँ भैया जी, देखिए मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि सच में धड़क से वो तस्वीर सबसे पहले दिखाई जब प्रियंका गांधी है वो मेहंदीपुर बालाजी दरबार में पहुंची हैं। उनका पूरा जो लवाजमा था वो पहले से तैयारियां पूरी कर ली गई थी, क्योंकि जैसे ही सिकराय में जनसभा हुई थी तो प्रोग्राम पहले से ही फिक्स हो गया था, क्योंकि नजदीक जो आस्था था मेहंदीपुर बालाजी दरबार है, ये जन जन का आराध्य देव है, तो यहाँ दर्शन करने के लिए स्वयं अशोक गहलोत और जो सचिन पायलट है वो यहाँ पहुंचे हैं। और जी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत प्रियंका गांधी के साथ में मौजूद हैं। क्या सुमित अब दर्शन कर लिए हैं, अभी क्या कुछ इसको लेकर अपडेट? नहीं, देखिए दर्शकों को बता दूं कि अभी दर्शनों के लिए चल रही है, पहले मंदिर खोलने की उनका स्वागत सत्कार करेंगे, उसके बाद वो जो बालाजी मंदिर है वहाँ पर दर्शन करेंगे। और जो यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ मंदिर में मीडिया को एंट्री नहीं दी गई है, क्योंकि उनका जो उद्देश्य है वो ये है कि अच्छे से यहाँ दर्शन किए जाए, किसी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं है, जो उनके सुरक्षा कर्मी है वो मंदिर में प्रवेश नहीं। सबसे पहले सच विधायक ने वो तस्वीर दिखाई जो प्रियंका गांधी और उनकी जो तस्वीर थी वो सबसे पहले सबसे तरफ ने दिखाई। उनका बाहर होते ही स्वागत सत्कार किया गया। सचिन पायलट, अशोक गहलोत जो सूबे के मुखिया है वो एक साथ एक गाड़ी में आए और अब मंदिर में जो अंदर दर्शनों का दौर है वो चल रहा है। जी, यहाँ कितनी देर रुकने का कार्यक्रम है सुमित प्रियंका गांधी का? जितने अगर हम यहाँ से रुकने की बात करें तो यहाँ लगभग 15 से 20 मिनट तक यहाँ रुकने का उनका कार्यक्रम है और उसके बाद वो यहाँ दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद जो मंदिर समिति है वो उनका स्वागत सत्कार करेगी और उसके बाद वो यहाँ लगाना होंगे। जी बिल्कुल, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो मंदिर प्रबंधन समिति है उसने तैयारियां पूरी कर ली हैं और स्वागत सत्कार भी किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें अभी फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रियंका गांधी मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए गए हुए हैं और मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करके जीत की कामना की जा रही है और कोशिश यही लगातार कांग्रेस कर भी रही है कि चाहे ईआरसीपी का मुद्दा हो या तमाम योजनाएं उससे जो प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, जो ईआरसीपी का मुद्दा है उसे जनता तक पहुंचाया जाए कि कैसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं की गई है, इन तमाम चीज़ों के लिए मेहनत कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और अब भगवान के दर पर पहुँचे हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए
पहुंचे हैं और ईश्वर से प्रार्थना यही है कि इस बार सरकार रिपीट हो और एक बार पहली बार रिवाज बदले और एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार आए, यही उम्मीद यही आशा से भगवान के दर पर पहुंचे भी हैं। और अब से कुछ ही देर में जब स्वागत सत्कार किया जाएगा प्रियंका गांधी का, उसके बाद में प्रियंका गांधी कुछ ही देर में यहां से रवाना भी होंगी, लेकिन उससे पहले जो बैरिकेडिंग या कहें कि पुलिस सुरक्षा व्यवस्थाएं यहां पर कर ली गई थी जिससे कि कोई किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, हालांकि जो आम लोग या कहें कि जिन लोगों को रोका गया था या जो आसपास दुकान वाले भी थे उन लोगों में भी बड़ा उत्साह था क्योंकि प्रियंका गांधी पहुँच रही हैं और ऐसे में उनकी तस्वीर लेना, उन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं तो उनकी तस्वीर लेना, उसका क्रेज लोगों में नज़र आया, तस्वीर लेते हुए वीडियो बनाते हुए नज़र आए। हालांकि अब मंदिर के अंदर मौजूद हैं, दर्शन प्रार्थना कर रहे हैं, विधि विधान से ये पूजा अर्चना की जा रही है, वहां मंदिर में महंत पुजारी मौजूद हैं और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करा रहे हैं। बालाजी के दर्शन किए हैं प्रियंका गांधी ने,